हेलो डियर स्टूडेंट, आज अपना सम स्टार्ट करते थे। सेटअप रेडी है? ओके, लेट्स बिगिन आवर क्वेश्चन। चलो लिवरेज का सम सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, वन सेकेंड माय डियर। चलो आ जाओ, क्वेश्चंस अपने पास रेडी है। तो सुनो, क्या दिया अपने पास? सेल्स दिया 24 लाख और जिसका रेट है 100 रुपया पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 50% दिया है। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 10 लाख दिया है। टैक्स 50% दिया है। बोरोड फंड मतलब लोन कर्जा लिया है 10 लाख और क्या इंटरेस्ट है 10%। और उनके पास इक्विटी शेयर है 10 लाख। एक शेयर कितने का सौ होगा, मतलब नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा तुम्हारे पास 10,000। तो वी हैव टू फाइंड ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, अर्निंग पर शेयर। एक क्वेश्चन इधर तक हो गया और सेकंड क्वेश्चन यहाँ फिर से पूछा। कंडीशन दिया है अपने को रिवाइज बनाने का कि अगर सेल 10% बनेगा बढ़ेगा तो ये तीन चीज चारों अपोजिट ढूंढो। तो पहले अपने को एग्जिस्टिंग बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके चलो आ जाओ, सम स्टार्ट करता बच्चे लोग। तो सेल्स कितना दिया अपने पास? 24 लाख। ओके, तो सेल्स की जगह पे लिख देंगे 24 लाख। और वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला? 50%। तो इसका 50% निकालेंगे। 24 लाख का क्या करेंगे हम लोग? आधा निकालेंगे। तो 24 लाख का आधा कितना हो जाएगा? 12 लाख। 24 लाख में से 12 गया तो कितना आ जाएगा? 12 लाख आ जाएगा, राइट। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अभी फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, ईबीआईटी मिलेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया इधर? मान लीजिए 10 लाख दिया है। फिक्स कॉस्ट 10 लाख है तो इधर 10 लाख लिखेंगे। 12 लाख में से 10 लाख गए तो अपने को कितना मिला? 2 लाख। ये हो गया तुम्हारा अर्निंग बिफोर ईबीआईटी, राइट। ये क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस पे निकलता है? लोन पे निकलता है। लोन कितना है? 10 लाख है। तो 10 लाख पे 10% अपने को इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो 10 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 1 लाख। तो 1 लाख क्या हो गया? अपना इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट भी माइनस करेगा, अपने को क्या मिलेगा? ईबीटी मिलेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अभी आप उसमें से कितना टैक्स परसेंट माइनस कर, क्या माइनस करेंगे? टैक्स। तो टैक्स कितना परसेंट दिया है? 50% दिया है। तो 50% क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो 50,000 आ जाएगा, राइट। तो उसको माइनस करेगा, अपने को कितना आ जाएगा? 50,000। ये आ जाएगा ना जो आंसर अपना, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है। क्या? अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये हो गया अपना इनकम स्टेटमेंट। हमने क्या सॉल्व किया? इनकम स्टेटमेंट। ये एग्जिस्टिंग था, राइट, मतलब पुराना वाला था। अभी हम लोग को क्या करने का? रिवाइज वाला सॉल्व करने का। जब रिवाइज वाला सॉल्व करेंगे ना, अभी अपने को क्या करने का है? कंडीशन क्या दिया है? सेल वॉस इंक्रीज, सेल इज इंक्रीज बाय 10%। तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्टेटमेंट बना देता हूँ, फिर दोनों का साथ में सॉल्व करता हूँ। तो सेल कितना परसेंट बोला? 10% बढ़ा है। तो 24 लाख पे 10% है ना, इतना हो जाएगा। और 24 लाख ऐड कर देंगे, 26 लाख, 60,000 क्या हो गया तुम्हारा? सेल्स हो गया। वेरिएबल का सेम 50% रहेगा, तो इसका 50% निकाल देंगे ना, 13 लाख 20। तो क्या कर देंगे? ये माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा ना 13 लाख 20, वो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का माइनस करके क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। फिर फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, सेम ही रहेगा 10 लाख। तो अपने को मिलेगा 3 लाख 20 हज़ार। ओके, फिर इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट भी सेम ही 1 लाख, इसको माइनस करके 2 लाख 20 आया। टैक्स कितना वाला? 50%। तो 2 लाख 20 पे क्या निकालेंगे? 50% टैक्स निकालेंगे। कितना परसेंट निकालेंगे? 50%, मतलब हाफ टैक्स जाएगा, मतलब 1,10,000 टैक्स जाएगा। तो बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा? 1,10,000। तो ये हो गया रिवाइज इनकम स्टेटमेंट। अभी अपने को क्या सॉल्व करना है? ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, मतलब कंट्रीब्यूशन को किससे डिवाइड करेंगे? ईबीआईटी से। तो कंट्रीब्यूशन कितना तुम्हारा इसका एग्जिस्टिंग, मतलब पुराने का 12 लाख, और ईबीआईटी कितना है तुम्हारा? 2 लाख। आंसर कितना आया? 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी साइड बाय साइड निकाल देंगे, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 13 लाख 20 डिवाइड बाय ईबीआईटी 3 लाख 20। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को 4.125 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने किस क्या निकाला? ऑपरेटिंग लिवरेज निकाला। अभी अपने को क्या निकालेंगे? फाइनेंशियल लिवरेज। तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अपने को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, पेन चेंज कर लेता हूँ। तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी मतलब 2 लाख, तो किससे डिवाइड करेंगे? 1 लाख से। तो इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स। सिमिलरली अपन रिवाइज का सॉल्व करेंगे, ये 3 लाख 20 है डिवाइड बाय ईबीआईटी ईबीटी 2 लाख 20। तो इसको सॉल्व करके अपने को 1.45 आ जाएगा। ये हो गया फाइनेंशियल लिवरेज।
अभी अपने को क्या सॉल्व करने का, कंबाइंड एवरेज, क्या सॉल्व करने का है, कंबाइंड एवरेज। तो कंबाइंड एवरेज का क्या फॉर्मूला हमारे में गया, दो है, या तो इन दोनों आंसर को मल्टीप्लाई करो कंबाइंड एवरेज आ जाएगा, ओके, या फिर एक और फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। तो इधर का ऊपर वाला लेने का, इधर का लास्ट वाला लेने का, इधर का ऊपर वाला, इधर का लास्ट वाला, मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। तो तुम्हारे पास चॉइस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब कंबाइंड एवरेज वाला ये दोनों आंसर को मल्टीप्लाई करो, 6 2 का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये हो गया अपना कंबाइंड एवरेज। इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, 4.125 × 1.45, ओके। तो अपने को जो भी आ जाएगा वो कंबाइंड एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट में आ रहा है 4.125 × 1.45, तो इसको 6 ले लेता, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया। तो ये कंबाइंड एवरेज। अभी इधर बोला ऑल्सो कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, आप देख सकते हैं EPS भी निकालने बोला है, व्हाट इज EPS, अर्निंग पर शेयर, दोनों के लिए निकालना पड़ा है। अर्निंग पर शेयर का तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अर्निंग आफ्टर टैक्स, मतलब ये कट पिट करके जो प्रॉफिट है ना, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस के EBIT, इंटरेस्ट माइनस के EBT, टैक्स माइनस के EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद की अर्निंग बोलेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इधर देखो अमाउंट कितना दिया, 10 लाख दिया, कितना दिया है 10 लाख, और एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का है। तो 20 छुपा देगा ना तो नंबर ऑफ शेयर मिलेगा, कितना मिलेगा, 10,000 नंबर ऑफ शेयर से, मतलब वो 10 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 10,000, ओके। तो इसको क्या कर देंगे, अर्निंग को किससे डिवाइड कर देने का अपने को, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो अर्निंग 50,000 है, नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, क्वेश्चन में था, ठीक है, 50,000 डिवाइड बाई 10,000, तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया अपने हमारे में, 5 आ गया, ओके। ये पर शेयर है, सेम इसके लिए सॉल्व करेंगे, इसका अर्निंग कितना है 11, और नंबर ऑफ शेयर कितना है, इसको सॉल्व करके अपना अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा, 11 रुपये आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया अर्निंग पर शेयर। तो हमने क्या सॉल्व किया, एक लिवरेज का सम सॉल्व किया हम इसमें, ठीक है, इसका क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके, इस क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, और ठीक है, लुक आउट दी सॉल्यूशन, ओके, एंड यू प्रैक्टिस। तो ये सब आप जो देख रहे हैं ना मेरे पास, ये यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वेश्चन है, MCOM पार्ट 2 एग्जामिनेशन October 2015 में आया था, मतलब ये यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन, MCOM वाले को आया था, राइट, पेपर, तो वाला सम सॉल्व कर दिया, और भी लिवरेज के मिसिंग फिगर अलग अलग टाइप के सब मैंने अपलोड कर दिया, यू कैन चेक दी प्ले लिस्ट। तो ये एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी पोर्शन चेंज हो गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, और ये सब FOI वाले को भी है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।